कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आयुष्मान भारत योजना का मामला रखा है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कि आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में जब लागू की गई तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, या ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। दिल्ली विधानसभा में मैं नेता प्रतिपक्ष था, मेरे साथ भाजपा के सभी विधायकों ने एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठाया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाए। और दिल्ली के फॉरवर्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में हाउस में यह घोषणा की कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया। हमें इस बात की खुशी है कि लोकसभा के चुनाव से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि तीसरी बार जैसी हमारी सरकार बनेगी, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सभी के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं चाहे नर्सिंग होम्स हैं, उनमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक अच्छी घोषणा की, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमें इस बात की भी अरविंद केजरीवाल से शिकायत है कि उन्होंने मीडिया के सामने इस बात की घोषणा की कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार मीडिया के सामने कही है। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सरदेवा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। वार्ड वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों के सिग्नेचर लिए जाएंगे और ये कार्य 1 दिसंबर को शुरू होगा और 7 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर भी जाएंगे और हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, जिससे कि इस आयुष्मान भारत योजना के समर्थन में हम दिल्ली के लोगों के सिग्नेचर जुटा सकें। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने अच्छी योजना पूरे देशवासियों के लिए दी है और ये योजना दिल्ली में लागू हो जाए, इसके लिए 7 MPs ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले को बहुत अच्छे से हमारी बहन वासी स्वराज जी ने हाईकोर्ट में रखा है। जो वायदा हमने चुनाव से पहले किया था कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करवाएंगे, हम चुनाव से पहले ये योजना लागू हो जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं कारणों से देरी हुई तो ये जानकारी हम मीडिया को दे चुके हैं कि जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी वह आयुष्मान भारत योजना को लागू कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन वासी स्वराज जी।